ठीक है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के जीपीटीडी स्ट्रीट डे 5 में। और आज का क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया है और आप सोल्यूशन गैस कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा और सोल्यूशन भी बताऊंगा और फिर उसे कोड करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो मैंने कुछ दिन पहले ही शुरू किया है और मैं वीडियोज डालता हूँ रोज जीएफजी के जो क्वेश्चन होते हैं पर डे में। तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो डाली थी मैक्सिमम ऑफ ऑल अदर साइज के, दैट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तीनों कंपनीज ने पूछा है, अब हमारे अमेजोन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने। और सेम क्वेश्चन लीडकोड पर भी अवेलेबल है जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है। मैंने इसके सारे अप्रोचेस आपको एक्सप्लेन किए हैं, ब्रूट फोर्स से लेके हीप से लेके एरे टेक तक। तो आप इसको देखो और समझो सारे अप्रोचेस और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो और बताओ कैसी लगी और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, तो आज के सेक्शन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है जिसका नाम है 10 मार्क्स, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। बहुत लंबी कहानी लिखी है, पढ़ लेते हैं इसे क्या लिखा हुआ है। और इन द मीनवाइल हम लोग पेंट भी खोल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, गीक वंस विजिटेड अ मैजिकल आइलैंड वेयर ही फाउंड अ स्पेशल क्रिएचर, ही नेम्ड इट स्मॉग। ओके, और वहाँ पे क्या है, टू मेक इट मोर क्लियर द प्राइमरी कलर्स आर, तीन कलर्स दिए हैं, रेड, आरजीबी। ओके, टॉप टू वन ऑफ द स्मॉग्स, द स्मॉग्स केम टू नो दैट ही इज गुड इन प्रोग्रामिंग। अच्छा, लेकिन पता चला कि हमारा जो गीक है जो इन मैजिकल आइलैंड में गया था वो गुड है प्रोग्रामिंग में। तो द स्मॉग्स केम टू नो, ओके, द स्मॉग्स सजेस्टेड अ डील, उन्होंने डील की, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ गीक को तो, और फिर उसने आंसर दे दिया तो इस आइलैंड से कुछ भी ले आ सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन इस तरह था, क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि द स्मॉग्स हैज अ वेरी मैजिकल प्रॉपर्टी, वहाँ पे जो स्मॉग्स, उनके पास एक प्रॉपर्टी है कि जब टू स्मॉग्स ऑफ डिफरेंट कलर मिलते हैं तो दे गेट कन्वर्टेड इनटू अ थर्ड कलर। ठीक है, इसके मतलब मैं अभी समझाने वाला हूँ तुरंत। तो हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ स्मॉग्स विल बी रिमेनिंग आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन कि दो अलग अलग कलर एडजेसेंट उनको थर्ड कलर में ट्रांसफॉर्म कर दो, और फिर बताना है कि ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स कितने यूनिक बचे। ठीक है, द क्वेश्चन लुक सिंपल टू गीक, सिंपल ही है हमारे लिए। तो हाउएवर द स्मॉग्स पुट अनदर कंस्ट्रेंट टू मेक इट गीक थिंक मोर। ओके, द स्मॉग मस्ट, तो स्मॉग के कलर्स के एडजेसेंट होने चाहिए, द स्मॉग के पास जो मैजिकल प्रॉपर्टी जो कि उनकी कलर है वो एडजेसेंट होने चाहिए, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं टेक प्लेस। तो देर आर एन स्मॉग्स द कलर ऑफ विच आर गिवन इन एरे ए। ठीक है, तो हमारा एन इक्वल्स टू 5 और एरे दिया हुआ है, एरे ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है, आई गेस, हाँ स्ट्रिंग दिया हुआ है, आर जी बी आर बी। तो हमें क्या करना है कि अगर देखो आर और जी प्रेजेंट है, अलग अलग कलर है ना, तो इसको रिप्लेस कर दो बी से। ठीक है, फिर बी और आर प्रेजेंट है, अलग अलग कलर है, इसको रिप्लेस कर दो जी से। ठीक है, तो अगर मैं इस एग्जांपल को कॉपी करूं और मैं आपको समझाऊं कि इसका ड्राई रन कैसे आ रहा है, क्योंकि अपनी पहली अप्रोच तो यही होती है भाई कि हमें इनपुट और आउटपुट कैसे आ रहा है वो समझ में आना चाहिए। अगर वही नहीं समझ आ रहा तो फिर कोड क्या करेंगे, है ना। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट समझ लेते हैं तुरंत से। ठीक है, तो हमारा क्या दिया हुआ था, आर जी पी आर बी। ठीक है, एडजेसेंट दो डिफरेंट कलर्स, इनका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बी में आर और जी प्रेजेंट है तो बी हो गया, बी और आर डिफरेंट कलर्स एडजेसेंट है तो इनका थर्ड कलर क्या बचा, जी, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। फाइनल एड क्या दिख रहा है, बी जी बी, ये फिर से डिफरेंट कलर है बी और जी, तो इसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन जाएगा, आर, आर और बी फिर से डिफरेंट कलर है तो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन जी। तो टोटल सारे ट्रांसफॉर्म करने के बाद कितने कलर्स बचे, दैट एक ही कलर, तो एक, तो इसलिए एक इसका आंसर है। ठीक है, और दूसरा क्या है, आर और आर, दूसरा टेस्ट केस। ठीक है, तो इसमें तो भाई कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो ही सकता है, तो टू, तो यहाँ से एक बात, इस केस से हमें एक बात तो क्लियर समझ में आ रही है, बाकी तो छोड़ देते हैं सोल्यूशन, बस इसको समझ में आ रहा है कि अगर सिर्फ एक कलर दिए हुए आर में, जैसे आर 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 आर, तो आंसर क्या होगा, काउंट ऑफ आर, पर जैसे जी 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 एक ही कलर है सिर्फ, बाकी है ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया, नंबर ऑफ जी, मतलब 4। तो थोड़ी थोड़ी इंट्यूशन हमें मिल रही है कि हमें तो कुछ काउंट मेंटेन करना होगा, काउंट मेंटेन करो ऑफ आर जी एंड बी, ऐसा कुछ करना होगा। अब थोड़ा एक्सपेक्टेड टाइम कॉन्फ्लिक्ट का देख के हेल्प ले लेते हैं, ओ ऑफ एन है, ऑब्जर्वरी स्पेस ओ ऑफ वन है, तो हमें कोई स्पेस भी नहीं इस्तेमाल करना, मतलब एक इटरेशन में हमारा आंसर आ जाना चाहिए, और 1000 है, तो अगर ये ओ ऑफ एन नहीं लिखा होता तो हम लोग एन स्क्वायर में भी कर देते, क्योंकि 1000 × 10³ × 10³ × 10³ × 6 होता है, विच इज लेस देन 10⁸। बट ठीक है, इसमें एक्सपेक्टेड ओ ऑफ एन लिखा है तो थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। एक बात तो समझ आ रही है कि हमें काउंट मेंटेन करना है और एक ही इटरेशन में चाहिए, इसका मतलब कुछ इसका मैथमेटिकल आंसर होने वाला है, है ना, कोई एक पैटर्न है जो हमें ऑब्जर्व करना है, तो
हम लोग काउंट मेंटेन कर ही रहे हैं तो केसेस बना लेते हैं। तो पहली ही केसेस क्या हो सकती है सेकंड टेस्ट केस के हिसाब से, कि ऑल सेम कलर हो जाए, है ना। तो उस केस में क्या करना होगा, हम आर और जी बी का काउंट मेंटेन करके रखे थे, ये अपना इनपुट आ रहे हैं, तो आर का काउंट कितना हो गया, जीरो, और ये जीरो और ये जीरो। तो देख लेंगे, जैसे मान लो सी वन सी टू सी थ्री है, तो अपन देख लेंगे कि अगर सी वन जो है नॉट इक्वल टू जीरो और बाकी सारे जीरो हैं तो रिटर्न सी वन कर देंगे। एक केस तो भाई क्लियर है। अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि सारे कलर्स प्रेजेंट हो, ऑल कलर्स प्रेजेंट, और कलर्स प्रेजेंट। और उसके केसेस क्या हो सकते हैं कि ईच कलर इज इन इवन फॉर्म, है ना, इज इन इवन फॉर्म, और फिर इवन नंबर बोल सकते हो, है ना। मतलब जैसे कैसा हो गया कुछ आर आर और जी जी और बी बी, ये तीनों कलर्स प्रेजेंट हैं एक स्ट्रिंग में और सब इवन है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, ए आर और सब कलर चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो ठीक है, तो पहली इटरेशन में क्या होगा, ये आर जी है और ये जी बी है, तो इसको चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपना क्या हो जाएगा, आर आर और जी का हो गया बी, जी और बी का क्या हो गया आर, और फिर से बी रह गया। अब वापस क्या लिख सकते हैं, वापस लिख सकते हैं हम लोग कि आर और बी को चेंज कर सकते हैं किसमें, जी में। आर और बी को किसमें चेंज कर सकते हैं, जी में। तो इस केस में आंसर टू आया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब अगर इवन, अगर हम आर आर बी, अगर मतलब फोर टाइम्स आर फोर टाइम्स जी फोर टाइम्स बी ले लिए होते तो क्या होता, अगर हम लोग फोर टाइम्स आर फोर टाइम्स बी जी और वो ले लिए होते तो फिर भी आंसर टू ही निकल के आएगी। आप निकालो, निकल के आएगी, ठीक है, वो काम मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप निकालना आ जाएगी, ठीक है। और अब तीसरा केस क्या हो सकता है कि जो कलर तो प्रेजेंट है, ईच कलर इज प्रेजेंट, अरे वो तो ऊपर ही लिखा है ऑल कलर प्रेजेंट, फिर से लिखते नहीं हम लोग, कलर प्रेजेंट है बट क्या, बट ऑड है, ऑड नंबर ऑफ ईच कलर, ऑड नंबर ऑफ ईच कलर। तो इसको कैसे कैसा, मतलब कैसा एग्जांपल होगा, कुछ ऐसा होगा कि आर जी और बी, तो आर और जी कंबाइन होकर क्या बन जाएंगे, बी और बी, और अब तो कंबाइन नहीं हो सकते तो आंसर हो गया टू। और एक बड़ा एग्जांपल भी लेते हैं, आर 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 जी 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 और बी बी बी, या फिर थोड़ा सा मिक्स एग्जांपल लेते हैं, मतलब ऐसा कर लेते हैं आर जी बी आर जी बी आर जी बी। तो ये तो आपको दिखा आर जी बी बी बना देता है, ये भी बी बना देगा, है ना। और हमने क्या थ्री टाइम्स ले रखा था, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि आर जी बी, है ना, आर जी बी आर जी बी, ठीक है। तो आर और जी क्या बना देगा, बी बी बना देगा, आर और जी क्या बना देगा, बी बी बना देगा, आर और जी क्या बना देगा, बी और बी बना देगा, है ना। तो इसमें आर कितने टाइम प्रेजेंट था, थ्री टाइम्स था, जी कितने प्रेजेंट था, थ्री टाइम्स था, बी कितने प्रेजेंट था, थ्री टाइम्स था। तो इस केस में आंसर क्या आ रहा है, ओके हम थोड़े कंस्ट्रेंट पर वापस चलें एक बार, ओके 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 ओके। तो जरा इस केस के लिए प्रिंट करके देखें क्या, कस्टम इनपुट डाल के देखें क्या आंसर आता है। ओके, कस्टम इनपुट कहाँ गया हमारा, तो हमारा 9 है, राइट, आर जी आर, अरे आर जी बी आर जी बी आर जी बी। हम कुछ कुछ भी अभी यहाँ पर रिटर्न जीरो करा देते हैं, पता नहीं, अभी ऐसे मैथमेटिकल सवाल है जहाँ पैटर्न निकालना है तो हमें तो पूरा सा कंफर्म करना ही पड़ेगा। इसके लिए आंसर क्या आ रहा है, टू, ओके इसके लिए आंसर टू आ रहा है ना। तो इसका क्या मतलब बनता है, इसका क्या मतलब बन रहा है ना, कि जब भी हम कुछ ऑड नंबर और ईच कलर वाला कोई भी सेक्शन है
ना, और नंबर एंड ईच कलर प्रेजेंट है, लेट्स से क्या ले ले, आर आर, ठीक है ठीक है ठीक है, तो उसके लिए आंसर 2 आ रहा है और इधर भी आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, एक बार और हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं, जहाँ पे अभी आर कितने थे, 3 बार थे ना, तो 4 और ये 5, और बी भी कितने, 3 बार थे, तो 4 और ये 5, और जी और जी, ठीक है। अब सब क्या हो गया, आर जी बी सब 5 टाइम्स हो चुके हैं। अब देखिए सर आंसर क्या आता है, ओके एक्सपेक्टेड आउटपुट 2। ठीक है भाई लोग, तो मतलब कि अगर ईच कलर प्रेजेंट है इवन फॉर्म में तब भी आंसर 2 है, और ऑड नंबर और ईच कलर तब भी आंसर 2 है। ठीक है, हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, बट अब एक केस ऐसी हो सकती है कि मिक्सचर मतलब इन द सेंस क्या, कोई कलर्स, सम कलर्स आर इवन एंड सम एंड रेस्ट लिख देते हैं, एंड रेस्ट ऑड। तो एक छोटे से टेस्ट केस के लिए इसके भी सॉल्व कर लेते हैं कि क्या होता है। तो लेट्स से आर और आर है, ये इवन हो गया, जी है और बी भी है, ठीक है, तो क्या हो गया, इवन ऑड इवन इवन, इसलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आर और जी क्या बन जाएगा, आर बी बी बी, आर और बी क्या बन जाएगा, जी बी बी, जी बी क्या बन जाएगा, आर बी, आर बी क्या बन जाएगा, जी, मतलब इस केस में 1 आ रहा है। थोड़ा सा और डाइवर्स कर लें, आर 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 एक और चेक कर लेते हैं। अब हमें आर को एक छोटा टेस्ट केस लेते हैं यार, आर को ऑड बना देते हैं, जी को इवन बना देते हैं, और बी को भी इवन बना देते हैं, तो मिक्सचर हो गया ऑड इवन इवन, चेक कर लेते हैं। तो आर और जी में क्या आता है, बी जी डी बी, जी और बी को ही मैच कर देते हैं, लेफ्ट से चल रहे लेफ्ट से ही चलते हैं, बी और जी को मैच कर देते हैं, आर बी बी, आर और बी को मैच कर देते हैं, जी एंड बी, जी और बी को मैच कर देते हैं, आर, ठीक है, इसके लिए वन आ रहा है। एक और टेस्ट क्वेश्चन से कर लेते हैं, हमने पहले ऑड को सेंटर में रखा था, कॉर्नर में रखा, फिर अब एक बार इवन इवन ऑड भी देख लेते हैं, मतलब आर आर जी जी एंड बी देख लेते हैं, ये जी बी मैच कर जाएगा और ये आर जी मैच कर जाएगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं नेक्स्ट इटरेशन के लिए। तो आर आर और जी मैच करके क्या बन गया, बी, जी और बी मैच करके क्या बन गया, आर, और बी आर क्या बन गया, आर बी आर का जी हो गया, आर जी का क्या हो गया, बी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो कुल मिला के 3 से 4 केसेस बन रहे हैं, है ना, ठीक है, मैं थोड़ा इसको बॉक्स में डाल दूंगा। ये तो एक केस हो गया, ये पहला केस हो गया, या तो कोई एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, है ना, तो उसका बस काउंट कर दो, और सारे कलर्स प्रेजेंट है ना, क्या यहाँ पे ऑल कलर्स प्रेजेंट, ये हो गया दूसरा केस, जिसमें भी कि ईच कलर जो है सारे कलर्स इवन फॉर्म में है, तो उसका आंसर 2 हो गया, और हमने ये भी चेक किया कि ऑड नंबर ऑफ ईच कलर, तो उसका आंसर भी 2 है, ठीक है। लेकिन अब हमें ये भी देखना है कि मिक्सचर भी तो हो सकता है, मिक्सचर सम कलर्स इवन सम कलर्स ऑड, तो उसमें हमने देख लिया ईओई का पैटर्न देख लिया, जिसके लिए आंसर 1 आया, हमने ओईई का पैटर्न देख लिया, जिसके लिए आंसर 1 आया, और हमने ईईओ का भी पैटर्न देख लिया, ई मतलब इवन इवन ऑड, और उसका आंसर भी 1 ही आया था। तो इसको फटाफट से कोड कर लेते हैं, चलो इसको कोड कर लेते हैं, और कोई तो स्ट्रिंग नहीं बचेगी, हाँ कुछ नहीं बचेगा, चलो कोड कर लेते हैं फट से। तो कुछ बना लेते हैं, इंट C1 बना लेते हैं, 0, ये अपना काउंट ऑफ ए लाएगा, C2 0, और ये सी का काउंट रहेगा 0, ठीक है ठीक है। तो अब हम क्या करना है, हम स्ट्रिंग में स्ट्रिंग करंट इक्वल्स टू एरे, ऐसे हम इसमें इटरेट कर जाते हैं, और हम क्या कर देंगे कि इफ, अब ठीक है, इफ करंट डॉट EQUALS इक्वल्स एक फंक्शन होती है जो एक्चुअली आपके कंटेंट को, दो स्ट्रिंग के कंटेंट को कंपेयर करती है ना, इक्वल्स टू इक्वल्स टू नहीं लगा सकते, ये वाला साइन नहीं लगा सकते, ये क्या रेफरेंसेस कंपेयर करता है। तो ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं थी वैसे, C1++ है ना, और इफ तो कॉपी कर लेते हैं, इतना क्यों टाइप करना, ठीक है,
तो ए नहीं, एक्चुअली आरजीबी कलर्स है ना, आर जी बी, ठीक है। और यहाँ पे C3++ और ये C2++, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि केसेस थे, पहले केसेस, पहला केस क्या था कि एक ही कलर प्रेजेंट हो और बाकी सारे जीरो हो जाए, ठीक है ना। तो मतलब क्या हो गया, इफ C1 इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एंड C2 इक्वल टू जीरो एंड एंड C3 इक्वल टू जीरो, राइट। तो इस केस में क्या करना है हमें, इस केस में हमें क्या करना है, रिटर्न C1, है ना। एग्जाम्पल में डाल देते हैं आर आर, सेकेंड केस केस जो उन्होंने खुद ही हिंट दे दिया था कि भाई कुछ तो मेंटेन के साथ कुछ करना है कि नहीं। चलो अब इसको कॉपी कर लेते हैं, ऐसे तीन केसेस हो जाएंगे, एक रिटर्न C2, एक रिटर्न C3, और जिसमें यहाँ पे C3 नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा और C2 नॉट इक्वल टू जीरो और ये सारे जीरो। होप आपको एक केस समझ में आ रही होगी, इन्होंने खुद ही क्लियर करके दे दिया था और इंट्यूशन भी दे दी कि भाई काउंट के साथ कुछ करना है। सेकेंड केस क्या था, सेकेंड केस ये था कि ऑल कलर्स आर प्रेजेंट एंड एंड एवरी कलर इज इन इवन नंबर और इन ऑड नंबर। तो उस केसेस में हमें क्या करना था, उस केसेस में क्या करना था चेक कर लेते हैं। उस केसेस में हमें आ गया, ऑल कलर्स आर प्रेजेंट, इवन कलर इन इवन फॉर्म और ऑड फॉर्म, सारे कलर्स प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए रिटर्न टू करना है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, इफ C1% 2 इक्वल इक्वल टू जीरो एंड एन C2% 2 इक्वल इक्वल टू 2% 2 इक्वल इक्वल टू जीरो एंड एंड C3% 2 इक्वल इक्वल टू जीरो, है ना। एक तो ये केस हो गई, और दूसरी केस क्या हो गई इसी में कि सारे हमारे हो जाए ऑड, राइट। तो इसको कॉपी कर लेते हैं ऐसे, यहाँ पे एक और पैरेंथेसिस और यहाँ पे, ठीक है ठीक है ठीक है। और यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो एंड नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसके में हमें क्या करना है, रिटर्न टू, राइट। और बाकी सारे केस एल्स कौन से वाले केस हैं, अब की केस बचा ही नहीं, केस वो है अब जो जिसमें मिक्सचर प्रेजेंट है ना। ऐसे कैसे, कुछ RGB का काउंट, RGB काउंट जो है ऐसे फॉर्म में आ जाए, इवन इवन ऑड या फिर ऑड इवन इवन या फिर इवन ऑड इवन, ऐसा कुछ हो जाए, है ना। तो इन सब केसेस के लिए हमें क्या करना है, रिटर्न वन। अभी हमने देखा था यहाँ पे कि मिक्सचर वाले केसेस में, यहाँ पे तो हमने EO के लिए सॉल्व किया, OE एंड EOE के लिए, तो सबके केसेस में हमारे वन आ रहे थे। तो होपफुली हमने सारे केसेस को कवर कर लिया है, यहाँ फॉर लूप बंद कर देते हैं देन, ठीक है। मैं कोई सिंटेक्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो कोई लग नहीं रही है, ठीक है, कंपाइल करके देखते हैं। तो कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया है और कुछ इक्वल, ठीक है, हमने इक्वल स्पेलिंग गलत लिख दी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको फटाफट सही कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स वेट फॉर अनदर कपल ऑफ सेकंड्स, ठीक है भाई। तो ये सब कुछ चल रहा है और ओके, एक बार हम ये वाली टेस्ट केस भी एक बार बस रन करवा करके चेक कर लेते हैं एक बार। तो क्या है, इसमें 5 है, 5 है और आर जी बी आर बी, आर जी बी आर बी, समीशन क्यों वेस्ट करना है ना, थोड़ा सा वेट ही कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब मैं प्रीटी कॉन्फिडेंस हूँ कि ये कोड रन करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे, हमारा कोड रन कर गया और होपफुली आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। और एज मैंने बताया, मेरी चैनल नहीं है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके हेल्प मिला आपको, तो आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं चैनल को कंटिन्यू करूँ और हम दोनों साथ में ग्रो हो सके, राइट, ठीक है। तो ये मेरी लिस्ट है, आप इन सब वीडियोस को भी चेक करो। मैंने एक क्लाउड इंजीनियर का भी डाला था कि मैंने एक्चुअली, मेरी कंपनी में रिक्वायरमेंट थी प्रैक्टिशनर सर्टिफाइड होने की, तो मैंने 7 दिन में वो कंप्लीट किया था। तो आप भी, अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो आप ये देख सकते हो,
और लास्टली ये मेरी DSA रिपोजिटरी है जहाँ मैं सारे कोड्स को पुश करता हूँ। तो अगर अभी का देखा जाए तो अभी ये क्या नाम था 10 मार्च, तो मैंने जैसे ही सबमिट की ये कोड ऑलरेडी पुश हो गया होगा 10 मार्च GSG के नाम पे, ठीक है। तो आप ऐसा कंट्रोल F करके सर्च करके आप इस कोड की हेल्प भी ले सकते हो, और ठीक है चलो कल के PhD मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो, ग्रो करते रहो, मजे करो।